नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में भाजपा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की मीटिंग रात 11:30 बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में पहुंचे थे। मीटिंग से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सीनियर विधायक भूपेंद्र सिंह चुड्डासमा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बुधवार शाम दिल्ली में भाजपा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कमेटी के सभी सदस्य पार्टी हेडक्वार्टर भी मौजूद रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि देर रात टिकटों का ऐलान हो सकता है। रूपाणी और नितिन पटेल ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे ताकि युवाओं को मौका मिले। हालांकि चर्चा है कि पार्टी इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर विधानसभा चुनाव से दूर किया है। विजय रूपाणी को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी। नितिन पटेल को भी दूसरे राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देकर गुजरात चुनाव से दूर रखा जाएगा। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेटर भेजा, कहा कि सभी के सहयोग से 5 साल सीएम के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करूंगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।